وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. एक भाई ने सवाल किया है, कहते हैं कि सूदी बैंक में काम करने का क्या हुक्म है, और अगर कोई आदमी सूदी बैंक में काम करता है और वो दावत देता है या कोई गिफ्ट देता है तो क्या उसे कबूल किया जा सकता है? देखें, सूदी बैंकों में नौकरी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि सूद के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, किस पर? आकल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैह व कालहुम सवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजा सूद खाने वालों, खिलाने वालों, रजिस्टर तैयार करने वालों और उनके गवाहों पर, और फरमाया कि वो सब के सब गुनाह में बराबर हैं। और इस हुरमत में वो लोग शामिल होंगे जो बराहे रास्त सूदी कारोबार को डील करते हैं, उसका हिसाब व किताब करते हैं और उसके कागजात तैयार करते हैं। अलबत्ता जिन लोगों का सूदी बैंक में ही सूदी सिस्टम से बराहे रास्त राबता नहीं है, वो लोग इस हुक्म में शामिल नहीं होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के डिपार्टमेंट में काम करने वाले हों, सफाई सुथराई के काम को देखने वाले हों, ऐसे लोग उसमें शामिल नहीं होंगे और उनकी कमाई भी हराम नहीं होगी। लेकिन जो लोग बराहे रास्त सूदी कारोबार में रजिस्टर तैयार करते हैं या गवाह बनते हैं या उस काम को डील करते हैं, उनकी कमाई भी हराम की होगी, उनकी सैलरी भी जायज़ नहीं होगी। रही ये बात कि उनका हदिया लेना या उनका खाना खाना, तो अगर वो चोरी करके आपको हदिया देते हैं या किसी का सामान छीन करके लाते हैं आपको हदिया देते हैं, या चोरी करके पैसे लाते हैं और उससे वो खाना तैयार करते हैं और आपको पता है, तब तो आपके लिए हदिया लेना भी जायज़ नहीं होगा और चोरी का वो सामान खाना भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उस सामान को वापस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो हराम तरीक़े से कमाते हैं, उनकी कमाई हराम ज़रिए से है, तो अगरचे कमाई का ज़रिया हराम है, लेकिन अगर वो गिफ्ट दें या अगर वो दावत दें तो उनकी दावत कबूल करना जायज़ होगा, उनका खाना खाना जायज़ होगा और उनका गिफ्ट भी लेना जायज़ होगा। दलील क्या है? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खैबर के मौका से एक यहूदी औरत की दावत कबूल फरमाई थी। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में एक यहूदी ने दावत दी थी और आपने उसकी दावत भी कबूल फरमाई थी। उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से लेन देन किया, बल्कि जब आपकी वफ़ात हुई तो आपकी एक ज़ीरा एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी कि आपने उससे जौ के आटे लिए थे। अब आप सोचिए कि यहूदी तो सूदी कारोबार में माहिर थे, हराम खोरी उनकी आदत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया सम्माउन लिल्कज़ब अक्कालून लिस्सुहत, कि ये झूठ सुनने वाले और हराम माल खाने वाले हैं। उसके बावजूद
उनका खाना खाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मामला किया, इसलिए उनके यहाँ खाना खाने और उनका हदिया लेने में कोई हर्ज की बात नहीं। हाँ, अगर आपके ऐसे लोगों का बायकॉट करने की वजह से उनके सुधार का इम्कान है, यानी अगर आप बायकॉट करते हैं और आप समझते हैं कि इसके ज़रिए उनकी इस्लाह हो जाएगी तो बेहतर रहेगा, ज़रूर ऐसा कीजिए। और आप उनका गिफ्ट मत लीजिए, उनका खाना मत खाइए, ताकि उनकी इस्लाह हो सके, उनका सुधार हो सके। लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, हमारे बायकॉट करने की वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपके लिए शरई नाहिया से गुंजाइश है कि आप उनका गिफ्ट कबूल करें, आप उनके यहाँ खाना खाएँ।